हेलो, मैं हूँ चिराग और आज मैं जा रहा हूँ गैंगटॉक से दार्जिलिंग, जो कि करीब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पर पहाड़ी इलाका और छोटे रास्ते होने के कारण इसमें करीब 3.5 से 4 घंटे का वक्त लगता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेंज में बसा एक हिल स्टेशन है, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है और पूरी दुनिया में दार्जिलिंग टी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। मेरे साथ है दावा, जो कि मुझे लेके जा रहा है दार्जिलिंग पे। हेलो सर, अभी यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं सिक्किम से। अभी पहुँचते पहुँचते 3-3.5 घंटा लगेगा। पहाड़ी इलाका है, काफी सारे चढ़ाव आते हैं, पर दावा बहुत अच्छा ड्राइविंग करते हैं और मुझे बहुत मजा आ रहा है। पहाड़ी इलाका और बहुत ही छोटा रास्ता होने के कारण इस रूट पर ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। इस वक्त भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम है। जब तक ये जाम खुलेगा नहीं, हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह है टिस्टा नदी, जो कि यहाँ की सबसे फेमस और सबसे लंबी नदी है। ये करीब 315 किलोमीटर लंबी है। ये असल में एक ग्लेशियर का पानी है। इसकी शुरुआत लाचुंग के पास बने जीरो पॉइंट से होती है। वहाँ पे जब बर्फ़ के ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी बन के बहना शुरू होते हैं और वहाँ से बहते हुए सिलीगुड़ी तक जाते हैं, जहाँ पर यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है। इस वक्त हम रुके हैं बीच रास्ते में खाना खाने के लिए। तो हमारा खाना रेडी है। इसमें राइस है, दाल है और 2 सब्जी है, जो यहाँ की टिपिकल लोकल सब्जी है, और उसके साथ ये है यहाँ की स्पेशल मिर्ची, एकदम छोटी सी है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। इसमें गवार और आलू की सब्जी है, पर टेस्ट गुजराती स्टाइल से थोड़ा डिफरेंट है। ये यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल टेस्ट है। लेट्स ट्राई दिस चिली। इट्स वेरी वेरी स्पाइसी, बहुत ही तीखा है। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ दार्जिलिंग में, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। और इस वक्त मैंने चेक इन किया अपनी होटल में। अब रात हो चुकी है तो वक्त है आराम करने का। कल हम जाएंगे यहाँ पर साइट सीइंग करने के लिए। बहुत ही, इस वक्त सुबह के 4:15 बजे है और हम लोग तैयार हैं टाइगर हिल जाने के लिए। यहाँ पे इस वक्त बहुत ठंडी है और माना जाता है कि टाइगर हिल में इससे भी बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। तो अब हम पहुँच गए टाइगर हिल पर, जो कि दार्जिलिंग से करीब 11 किलोमीटर दूर है और 8,500 फीट की ऊंचाई पर बना एक पॉइंट है। यहाँ से माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा दोनों दिखाई देते हैं। यहाँ की स्पेशलिटी यह है कि इसके सामने कंचनजंगा पहाड़ है और सनराइज से कुछ मिनट पहले सूरज की किरणें उस पहाड़ पर गिरती है, जिसके कारण अल्पाइन ग्लो यानी कि कंचनजंगा पर एक अलग तरह की चमक देखने को मिलती है। और उसी चमक को देखने के लिए लोग यहाँ पर सनराइज से पहले पहुँच जाते हैं। हालांकि इस वक्त मौसम थोड़ा अलग है, हर तरफ कोहरा है, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट हमें बिल्कुल कंचनजंगा पहाड़ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आज हमें अल्पाइन ग्लो को देखने का मौका मिलेगा। सनराइज ऑलरेडी हो चुका है, पर हेवी फॉग के कारण ना तो हम अल्पाइन ग्लो को देख पाए और ना ही कंचनजंगा को। टाइगर हिल से माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और मकालो, इन तीनों माउंटेन रेंज को देख सकते हैं। और माउंट एवरेस्ट यहां से करीब 172 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वक्त मैं हूँ बतासिया लूप में, जो कि एक स्पाइरल रेलवे ट्रैक है और यहाँ से टॉय ट्रेन चलती है। जब टॉय ट्रेन की शुरुआत हुई तब स्टीम इंजन होने के कारण उसे हाई एलिवेशन में चढ़ाना बहुत ही मुश्किल था, और घूम और दार्जिलिंग स्टेशन के बीच में एलिवेशन करीब 145 फीट का था, जहाँ से ट्रेन को चलाना बहुत ही चैलेंजिंग था। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1919 में इस बतासिया लूप को बनाया, ताकि ट्रेन को आसानी से ऊपर चढ़ाया और नीचे उतारा जा सके। इस दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1880 में शुरू किया गया था और दिसंबर 1999 में
इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। इस वक्त मेरे पीछे जो है वो है गुरखा मेमोरियल, जिसे यहाँ पर 1995 में बनाया गया था। इस मेमोरियल को उन सभी सोल्जर्स की याद में बनवाया गया था जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी के दौरान शहीद हुए थे। तो इस वक्त हमें दार्जिलिंग की डाली मोनेस्ट्री में, जो कि यहाँ की बहुत ही प्राचीन मोनेस्ट्री है, इसे करीब 19वीं सदी में बनाया गया था। इस वक्त हमें दार्जिलिंग के जापानीज पीस पगोडा में, जो कि यहाँ का एक जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल है, इस मंदिर को 1992 में बनाया गया था। अगर आप देखें तो इस पगोडा की ऊंचाई 28.5 मीटर है और इसका डायमीटर 23 मीटर है। इस मंदिर को बनाने में करीब 20 साल का वक्त लगा था। यहाँ पर भगवान बुद्ध के चार अलग अलग अवतारों को दर्शाया गया है। अब हम पहुंच गए हैं दार्जिलिंग केबल कार का सफर करने। इस केबल कार की शुरुआत 1968 में की गई थी और ये इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे पहली रोपवे सिस्टम थी। तो इस वक्त हमें दार्जिलिंग की केबल कार में, जिसे रंगीत केबल कार कहा जाता है, इसकी शुरुआत 1968 में की गई थी। ये करीब 3 किलोमीटर लंबी है। जब इसकी शुरुआत हुई तब ये 8 किलोमीटर की थी, पर अब इसको कट शॉर्ट करके 3 किलोमीटर कर दिया गया है। 1968 में इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि खास करके टी प्लांटेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि उस जमाने में टी प्लांटेशन के लिए वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था और कोई रास्ता नहीं था, और इसीलिए केबल कार की शुरुआत की गई थी। पर अब ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। यहाँ से टी गार्डन्स का नजारा बहुत ही जबरदस्त है। तो इस वक्त हम आए हैं यहाँ की सब्जी मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या अलग सब्जी है जो हमारे यहाँ नहीं मिलती। ये एक अलग चीज है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये क्या है? स्कूज। स्कूज बोलते हैं। तो ये सब्जी बनाते हैं इसे? अच्छा, कैसे बनते हैं इसे? तो आलू के जैसे ही? हाँ हाँ, अच्छा, लौकी जैसा होता है। तो ये यहाँ की सब्जी है, स्कूज बोलते हैं इसको, और ये कुछ कुछ लौकी जैसी होती है, इसे सब्जी बनती है। क्या प्राइस है इसका, कितने का आता है? एक किलो 30 रुपीज पर केजी, और ये 30 रुपीज पर केजी है। आइए देखते हैं और क्या क्या है। ये भी कुछ काफी बड़ी लौकी जैसी ही लग रही है। ये क्या है? ककड़ी है। ये सलाद खाते हैं, सब्जी नहीं बनती इसकी। तो ये ककड़ी है सलाद के लिए, पर काफी बड़ी है। इस साइज की ककड़ी मैंने आज तक और कहीं नहीं देखी। तांबा, बैम्बो सूट, तो इसको तांबा बोलते हैं यहाँ पे, बैम्बो सूट। तो ये एक तरह का फ्रूट है। ये भी सब्जी है, ये भी एक तरह की सब्जी है, इससे भी सब्जी बनाई जाती है। तो काफी सारी चीजें हैं। ये भाजी भी अलग लग रही है। काफी सारी चीजें हैं जो हमसे काफी अलग है। बाकी रेगुलर गोभी, कांदा, मूली, करेला, ये सब तो है, पर 3-4 चीजें हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं मिलती। और एक यहाँ का बैंगन है, वो भी थोड़ा अलग लग रहा है शेप एंड साइज में। तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं दो टाइप के बैंगन, एक जो हमारे यहाँ पे मिलते हैं और दूसरा जो यहाँ का टिपिकल जो मिर्ची जैसा लगता है, पर एक्चुअली में ये बैंगन है। ये क्या है? इसको नेपाली में पिनालू बोलता है। पिनालू, पिनालू माने मिर्च में, इसको इंग्लिश में आरबी बोलता है, बंगाली में कच्चू बोलता है इसको। अच्छा, इसको पत्ता हो जाता बड़ा वाला, ये उसको ऊपर का भी खाने सकता है और ये जी धरती का नीचे का ये। अच्छा, धरती का नीचे का सब्जी बनता है, टेस्टी, अच्छा लगता है। सो ये यहाँ का ट्रेडिशनल टिपिकल वेजिटेबल प्रणालू बोलते हैं इसको। प्रणालू ना, सही बोला ना? प्रणालू। और इसका बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है। अभी आलू को फिटा रहा, कभी कभी आदमी को हाई प्रेशर हो जाता है, ये हाई प्रेशर इसका लिए ये आलू बहुत यही खाना। अच्छा, हाई प्रेशर हो, ब्लड प्रेशर होता है। तो ये यहाँ का स्पेशल आलू जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ इस इलाके में मिलता है। बाकी जो रेगुलर आलू है उससे काफी अलग है। बादामी आलू बोलते हैं। प्लेन साइड में नहीं मिलता, हिल साइड में। तो ये नॉर्मल एरिया में नहीं मिलता, सिर्फ हिल्स में मिलता है। तो हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ का सैलेड।
ये है ककड़ी। अब हम पहुंच गए यहाँ के टी गार्डन में और यहाँ के टी गार्डन के बाहर भी कई दुकानों में चाय बेचते हैं, तो अब हम पहले जानेंगे कि यहाँ पर कितनी अलग अलग टाइप की चाय मिलती है। सो कौन कौन सी टाइप की चाय होती है आपके पास? हमारे पास सिल्वर टी ग्रीन टी ओके, दूसरा है ब्लैक टी। ब्लैक टी ओके, वो सिर्फ फ्लेवर के लिए है, इसमें कलर नहीं होता है, सिर्फ फ्लेवर होता है। ओके, आप लोग का 25,000 का 2500 का किलो है। अच्छा, एक ये हैंडमेड है, होममेड है, उसमें आप लोग को कलर स्ट्रांग होता है, फ्लेवर नहीं मिलता है। अब हम पहुंच गए दार्जिलिंग के टी गार्डन में। जैसे कि आप जानते हैं कि दार्जिलिंग पूरी दुनिया में यहाँ के चाय प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई अलग अलग तरह की चाय का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये है चाय का बागान, जैसे कि आप देख सकते हैं ये चाय पत्ती है और इसमें से चाय को निकाल के फिर उसको अलग अलग फ्लेवर्स में यहाँ पर सेल किया जाता है। तो अब हम टेस्ट कर रहे हैं ये रेगुलर चाय, ये है ग्रीन टी। इस वक्त हम हैं दार्जिलिंग के मॉल रोड शॉपिंग मार्केट में। मॉल रोड शॉपिंग मार्केट यहाँ की सबसे फेमस शॉपिंग मार्केट है और रोड भी यहाँ का सबसे फेमस है। यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड कपड़े भी मिलते हैं और कुछ लोकल कपड़े भी मिलते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वुलन कपड़े यानी कि गर्म कपड़े मिलते हैं, जैसे कि शॉल, स्वेटर्स, जैकेट्स वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं और बहुत कुछ है। ये अब तक का अगर दार्जिलिंग सिटी की बात करें तो ये दार्जिलिंग सिटी का सबसे हैपनिंग एरिया है। तो इस वक्त मेरे साथ है देवप्रिया जी, जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया था और पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम और दार्जिलिंग में हमें घुमाया, कलिम्पोंग ले गए, उसके बाद गैंगटॉक, उसके बाद दार्जिलिंग। 6 दिनों तक इन्होंने हमें बहुत घुमाया, हमारी बहुत खातिरदारी की एंड इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद अस एंड प्लीज डू कम अगेन। So it was a wonderful day today and it was all a wonderful trip. We just finished our dinner and अब हम बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, ऑलरेडी रात के 10 बज चुके हैं और आज हमारा आखिरी दिन था। कल सुबह जल्दी उठ के हम जाएंगे एयरपोर्ट के लिए क्योंकि कल सुबह हमारी रिटर्न फ्लाइट है। बट ओवरऑल द जर्नी वॉज फैंटेस्टिक। हम एक दिन कलिम्पोंग में रहे, 2 दिन गैंगटॉक में रहे और 2 दिन दार्जिलिंग में। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, अमेजिंग प्लेस। थोड़ा मौसम खराब था, बारिश थी, विजिबिलिटी कम थी, बट फिर भी ओवरऑल वी एंजॉयड अ लॉट। सो आफ्टर दिस फैंटास्टिक जर्नी फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय। हमारी गाड़ियां तैयार है और हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट में।